नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्नेक बाइट यानी कि सर्प डंस का एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसे सुनकर घटना पूरी तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पर युवक के साथ बार बार घट रही घटना आज सोशल मीडिया एवं फतेहपुर जनपद के अलावा पूरे प्रदेश एवं देश भर में चर्चा का विषय बनी है। दरअसल फतेहपुर निवासी विकास द्विवेदी नाम के युवक के पीछे एक सांप हाथ धोकर पड़ा है। सांप उसी युवक को बार बार डस रहा है। हर बार युवक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक विकास द्विवेदी नामक युवक को अब तक सर्प ने 40 दिन में 7 बार काटा है। पिछली बार शनिवार और रविवार को काटा था। इधर पीड़ित युवक का कहना है कि सर्प ने यदि 9वीं बार उसे डसा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। फिलहाल इस रहस्यमयी घटनाक्रम से विकास और उनका पूरा परिवार दहशत में है। विकास सर्पदंश से बचने के लिए अपने मौसी और चाचा के घर में भी पनाह ली, लेकिन सर्प ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे वहां भी डस लिया। इधर युवक जब वापस अपने घर आया तो वहां भी फिर से सर्पदंश से पीड़ित हो गया। फिलहाल सर्पदंश से परेशान परिवार प्रशासन और सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं यह अजब गजब मामला देखकर चिकित्सक भी हैरान है। आप क्या नाम है और कितने दिन में आप कितनी बार सांप काटा, क्या हुआ? नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में हमें इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप कब का काटता है? शनिवार और संडे सांप काटता है। डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 बार तो पहले घर में काट चुका है, जब चौथी बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अपने मौसी के यहाँ या किसी के घर में बाहर कहीं रहिए जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए तो वहाँ भी हमको सांप ने काटा। फिर इसके बाद हम अपने घर में आके रहने लगे। फिर यहाँ भी एक बार चाचा के यहाँ फिर सांप ने, फिर लास्ट बार बाइट सांप ने चाचा के यहाँ काटा है। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हमारी यही मांग है और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए और क्या कहते हैं कुछ आर्थिक मदद करने